अस्मित जी हेलो कर दीजिए एक बार। ये क्या होता है, मुँह से करो। इतनी मोटी मोटी सरियों का स्ट्रक्चर बनाया गया है, देखो इस तरीके से। न्यू कटनी जंक्शन। अबे हमें लगा ट्रेन है। भाई देखना इतनी भीड़ तगड़ी हो गई यहाँ पे यार। भाई तो हाथ डाल के गेहूँ खा रहा है भाई, टंकी में हाथ डाल के। अरे देखो इतने पूरे गेहूँ भरे हूँ उससे। क्या कर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के 7 बज गए हैं अभी और मौसम काफ़ी ज़्यादा बारिश वारिश वाला है। रात भर से बारिश हो रही है कंटिन्यू लगातार, और अभी भी हो रही है। मतलब अभी धीरे हल्की सी झपसा गिर रहा है लेकिन तेज़ नहीं हो रही है। अस्मित ने हमको बुलाया है स्टेशन, जा रहा है लखनऊ से लिए, तो बोल रहा है कि आ जाओ भाई हमको ट्रेन पर डाल दो आके। और ये सामने नज़ारा देखो आप, रात भर ऐसे धीरे धीरे बारिश हुई ना, तो पूरा माहौल गीला गीला हो गया है यहाँ का। और ऑटो भाई आते ही नहीं यार जब हमें ज़रूरत होती है। जब जल्दी होती है ना तो ऑटो उल्टो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ये तो पूरा भरा निकल गया यार। स्टेशन स्टेशन। अबे भाई यार स्टेशन नहीं जा रहे। हाँ बेचारे कांवड़ियों ने इतनी बारिश में भी अपनी यात्रा को जारी रखा है, और यहाँ इतना पानी भर गया है भाई। ये देखो भाई जा रहे हैं पैदल यात्रा, कुछ तो नंगे पैर हैं भाई, नंगे पैर जा रहे हैं भाई। देख पहले भाई स्टेशन आ चुके हैं हम, और सामने अस्मित जी यहाँ पे चल रहे अपना झूला झंडा लेके। इनके पास अपोलो के कुछ डॉक्यूमेंट है ना, ये अपोलो में ले जाना है तो इसलिए लखनऊ जा रहे हैं। अस्मित जी हेलो कर दीजिए एक बार। अस्मित जी ये क्या होता है, मुँह से करो, इधर घूम के करो होता यार। भाई ये पैसेंजर जा रहे हैं सामने, शाहजहानपुर लखनऊ पैसेंजर, हर जगह रुकेगी। अरे हर जगह पता नहीं कब पहुंची हो लखनऊ, बहुत बढ़िया ट्रेन बता रहे हो। ये भी बीट हो जाएगी आगे बहोली वगैरह में पिट जाएगी। कभी यहाँ टिकट मिलते थे भाई, अब उधर मिलते हैं। पूरा स्टेशन गीला गीला है चारों तरफ, और यहाँ पे पता नहीं क्या खुदा हुआ है ये। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ, अभी देखना पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे लोहे का। ये देखना भाई पता नहीं क्या बन रहा है, ये देखना कितना मजबूती से बना रहे हैं, गड्ढा वड्ढा खोद के भाई इस तरीके से। हम लोग जा रहे हैं अभी टिकट लेने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे होते हुए, क्योंकि उधर से बहुत किचकिच है इसलिए। इतनी मोटी मोटी सरियों का स्ट्रक्चर बनाया गया है देखो इस तरीके से, पता नहीं क्या बन रहा है। इन्हें लखनऊ दे दिए अंकल जी 50 रुपये। ये लो भाई चलो आ जाओ। ये न्यू कटनी जंक्शन, न्यू कटनी जंक्शन। अबे हमें लगा ट्रेन है, हमें लगा ट्रेन है भाई, तो सिर्फ इंजन जा रहा। ये जो इंजन गया आगे किसी मालगाड़ी में लगेगा मेरे ख्याल से, तो मुड़ने गया है वो उधर। भीड़ तो काफ़ी है, मतलब बहुत भीड़ है। ये भाई देखो यहाँ पे सब ऑटो वगैरह खड़े हैं, यहाँ पे रेलवे कॉलोनी है ये, और यहाँ पे लाइन सब बैठे हुए हैं ऐसे ट्रेन का वेट करते हुए। ट्रेन बढ़ती जा रही है, 7:50 की हो गई है, पता नहीं कब आएगी भाई। ये बहुत लफड़ा लगता है हमको ट्रेन वाला यार, ये बैठ के पबजी खेल रहा है यहाँ पर। वो देखो गाइस इंजन वहाँ पर लगने जा रहा है इस तरीके से। ये लोग बहुत खड़े हैं ना तो दिख नहीं रहा होगा आपको। इट इज़ द चंडीगढ़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4444। चलो पहुँचो, चलो कम से कम ये एक्सप्रेस सुपर फास्ट नहीं है, ठीक है आराम से आते जाएंगे, आपका टिकट काम करेगा इसकी। ये देखो सब एसी आ गए, मतलब तुम अच्छा हुआ आगे नहीं गए, एसी भी ख़त्म हो जाएंगे। देखो सब पीछे जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पे भाई सेल्फी ली जा रही है इस तरीके से, देखना भाई इस तरीके से सेल्फी भी चल रहा है वहाँ पे। अरे तुम आओ यार, स्मार्ट तो होते क्या तुम, दूर रहो ट्रेन से, दूर रहो मेरे, ट्रेन से तो बच जाऊंगा। नहीं पानी पड़ा है ना, फिसलन है, ले तुम्हारा स्लीपर है ना, रुक गो जाओ घुसो जल्दी। कम ऑन अस्मित, ओहो इतनी भीड़। हाँ भाई आराम जाओ, पीछे खड़े हैं। भाई देखना इतनी भीड़ तगड़ी हो गई यहाँ पे यार, ट्रेन में बिल्कुल सफ़र करने वाला तो है नहीं आजकल, मतलब कंटिन्यू आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और जरा सा डिब्बा है, इसमें लोग बैठेंगे यहाँ पे। भाई एसी वाला है, टीटी सामने खड़ा हुआ है, अस्मित को मिलना चाहे कहीं, अस्मित जी वहाँ पर चढ़ रहे हैं, जा जा। जनरल का टिकट लेके हर बार स्लीपर में जाता है, बट लखनऊ थोड़ी दूर है ना और लास्ट स्टॉप जिस ट्रेन का है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे ख्याल से। चढ़ गया भाई, वो देखो चढ़ गया भाई। बाय, चलो भाई हम भी निकलते हैं यहाँ से। और इस ट्रेन में बहुत भीड़ हो गई है, अभी दून आ रही पीछे, उसमें लोग कुछ लोग जाएंगे, इससे बहुत लोग कैंसिल कर चुके हैं। तो भाई लोग अभी उधर से भागते हुए इधर आ रहे हैं, क्योंकि सब आ सके एसी वाले लगे हैं ना, उसमें वो लोग घुस नहीं सकते, तो सब इधर आ रहे हैं भाग भाग के। देखो इस तरीके से, ये देखो सब कैसे भागते हुए आ रहे हैं पहले चलते हुए। ये देखो अंकल जी मार लपकते हुए आ रहे हैं, ये देखो अंकल जी कैसे दौड़ रहे हैं। तो ट्रेन का हॉर्न बज चुका है, ट्रेन चलने वाली है भाई यहाँ पे सकते हैं। और हमसे अस्मित बोल रहा था लखनऊ चलने के लिए, बट हमने मना कर दिया। ये भाई निकल चुकी ट्रेन, जा रही है, ये देखो
तो फाइनली गाइस हम आ गए अपनी गली में और बस घर पहुंचने वाले हैं। इतने शैतान बंदर है भाई, मतलब यहाँ से हम देख नहीं सकते लेकिन हमने कैमरा ऊपर किया तो सामने बैठा है बंदर, नुकसान कर देता है। देखो ऐसे गेहूँ खा रहा बैठा आराम से भाई। ओ हेलो भाई, तो हाथ डाल के गेहूँ खा रहा है भाई, टंकी में हाथ डाल के भाई आराम से गेहूँ खा रहा। देखना ये देखना भाई, इसके लिए डंडा चाहिए मेरे को भाई साहब। खा के उसमें डाल ले, बदतमीज, क्या करूँ भाई इसका मैं, डंडा भी नहीं यहाँ। तो देखो हमको देख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा रहा है, भगाना पड़ेगा इसको। देखो कैसे खा रहा है, चट चट के। चलो भागो खाए पे, एक देखो युद्ध इतने फैलाए को गेहूँ, देखो भाई। अरे देखो इतने पूरे गेहूँ भरे हैं ऊपर तक, इसमें हाथ डाल डाल के आराम से खाया करता है। इसकी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपने ऐसे तो रोज आके खाएगा आराम से, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको भगोने को ऐसे रख दूँ या इसको उल्टा करके रख दूँ और उसके ऊपर ढक्कन रख दूँ, तो उससे क्या होगा, मतलब इसको उल्टा करके रखूँ ना तो उसका पूरा गेट बंद हो जाएगा, जो टंकी का गेट है उल्टे कर देता मेरे ख्याल से। अब तो भाई कोई चांस ही नहीं कि बंदर इसको हिला पाए, इसको उठा पाए, मतलब ये बहुत हैवी है पूरा एल्यूमिनियम का। ठीक है भाई अब आओ बंदर जी, कहाँ रह गए, बादल देखना भाई कैसे काला काला छाया हुआ है, लग रहा अभी और बरसेगा। तो भाई कंटिन्यू बारिश हो रही है रात से और सुबह थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी ना, इसलिए दरवाजे पे देखो पूरा पानी आ गया, जाली आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये टीन का जो गैप है यहाँ पे, इससे पानी रिस के यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इस तरीके से, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। और इसको मैंने बंद कर दिया, आपने देख ही लिया है, और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, उसके बाद मैं पूजा जो करूँगा फिर खाना खाऊंगा, और आज पता नहीं मैं पढ़ाने जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, अगर ऐसी बारिश हुई नहीं जाऊँगा भाई, मतलब कहा है बना फालतू में यार। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त, आशा करते हैं आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगा होगा एंड ज़्यादा लंबा नहीं था। ओ माई गॉड ये देखना भाई, बंदर वहाँ पे खा पी के आराम कर रहा है, हमारे पूरे गेहूँ खा गया जो कि यहाँ रखे थे, और अभी बारिश में बेचारा क्या करेगा, आराम से जगह नीचे लेटा है आराम कर रहा है, बारिश बंद होगी तो जाएगा उठ के, मतलब सबको बारिश से दिक्कत है, कोई हम ही नहीं है। ये था भाई आज का ब्लॉग, इसको अभी समाप्त करते हैं, जाके एडिट भी कर लेंगे, अपलोड कर देंगे, और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। और अगर आप हरदोई से देख रहे हैं चैनल पर नया, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।